अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ब्लड सेल्स। ओके, हम इनके जो है ना स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे ब्लड सेल्स के। ओके, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ब्लड क्या है, ब्लड की टाइप्स क्या है और हर टाइप का ह्यूमन बॉडी में क्या जो है ना फंक्शन है, हमने उनको डिस्कस किया था। तो आज हम इनका जो है ना स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखा जाए जो है एरेथ्रोसाइट्स होते हैं, यहाँ पर एरेथ्रोसाइट्स की अगर हम देखें एग्जांपल, तो मेजोरिटी जो एरेथ्रोसाइट है ना वो डिसीफॉर्म में होते हैं। ओके, और माइनॉरिटी अगर हम देखें एरेथ्रोसाइट की तो बाउल शेप में होते हैं। ओके, तो अब इसके अगर हम देखें, हम जो है ना इनकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के लिए टू टर्म्स यूज करते हैं। एक है नॉर्मोसाइटिक होती है और एक होती है नॉर्मोक्रोमिक होती है। नॉर्मोसाइटिक ये होती है कि जो सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल साइज के होते हैं। ओके, जो नॉर्मोक्रोमिक होती है ना उसमें ये होता है कि उनके अंदर नॉर्मल कंसेंट्रेशन है हेमोग्लोबिन की। ओके, और वो जो है ना वो स्टेन होते हैं नॉर्मली ना। अगर मैं इनकी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो ये देखें, ये है नॉर्मोक्रोमिक एंड नॉर्मोसाइटिक रेड ब्लड सेल्स ना। ओके, जो स्टेन्ड है वो नॉर्मोक्रोमिक है और जो हमारे पास जो नॉर्मल साइज के वो नॉर्मोसाइटिक्स है। ओके, अगर हम ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो ब्लड जो है ना हम इसको अदर सेंस में रिवर ऑफ लाइफ कह सकते हैं। इसका जो है मेजर रोल या मेजर फंक्शन जो है हमारी बॉडी में वो यही है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को जो है ना वो डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यूज सेल्स में जो है ना ट्रांसपोर्ट जो है ना ट्रांसपोर्ट करता है उनको। ओके, और जो है ना इन रिटर्न वो क्या करता है, वो टिश्यू से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड उसको जो है ना वो लेके जाता है लंग्स, और लंग्स से हम उनको जो है ना एक्सहेल कर देते हैं। ओके, तो ये है हमारी अगर कंपोजिशन किसकी बात करें तो जो ब्लड है ना, ब्लड एक फ्लूइड है कलेक्टिव टिश्यूज का ना, जो प्लाज्मा से ब्लड सेल से प्लेटलेट से मिलके बना हुआ है। ओके, और जो हमारी ये जो है सर्कुलेट करता है थ्रू आउट आवर बॉडी और वो डिलीवर करता है ऑक्सीजन को न्यूट्रिएंट्स को टू डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज में। अब ये 8% जो है ना हमारे बॉडी वेट जो है ना ब्लड बनाता है। ओके, और जो एवरेज अडल्ट पोस्ट है ना अडल्ट ब्लड एवरेज इसका ये है 5 to 6 liters। ओके, तो अब इसमें देखें हम लोग के, और जो है ना ब्लड में ब्लड एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, और हर ब्लड एलिमेंट का बॉडी में डिफरेंट ही जो है ना फंक्शन है। ओके, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर हम देखें, यहाँ पर जो है ना इसकी होल ब्लड है उसमें जो है प्लाज्मा, प्लाज्मा में देखिए हम तो अमाइनो एसिड्स आते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट आता है, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, गैसेस। फर्दर हम प्रोटीन्स को देखें तो कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, वो है एल्ब्यूमिन होती है, फिब्रिनोजन होती है, ग्लोबुलिन होती है। ओके, और अगर हम देखें इनकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स इनके देखें तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, एरेथ्रोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ओके, एरेथ्रोसाइट हम आरबीसीज को कहते हैं, मीन्स रेड ब्लड सेल्स को, ल्यूकोसाइट्स हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। ठीक है, आरबीसीज क्या करती हैं, वो हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, जबकि हमारे जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म प्ले कर रहा होता है। ओके, कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो उसको जो है ना हमारी बॉडी में जो है ना उसको किल आउट कर देता है ये। ओके, तो अगर हम जो है ना इनके ल्यूकोसाइट्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हो गई और एग्रेनुलोसाइट्स हो गई। तो ग्रेनुलोसाइट्स जो है ना न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एजिनोफिल में डिवाइड होती है, और जो दूसरी है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स में डिवाइड होती है। ओके, अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हमने देखा प्लाज्मा होता है और जो है प्लेटलेट्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं और एरेथ्रोसाइट होते हैं। अब इनके यहाँ पर देखें तो प्लाज्मा 55% होता है और जो बफी कोट जो बनती है मीन्स के एक बहुत ही कह लें कि वाइट व्हाइट सी एक लेयर बन जाती है। अगर हम इनको सेंट्रीफ्यूज करें ना ब्लड को, तो जो ब्लड कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट हो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो जो है ना नीचे एरेथ्रोसाइट्स नीचे आ जाते हैं वो रेड ही कलर में होते हैं। ओके, वो 45% होते हैं टोटल ब्लड में। और जो बफी कोट एक दरमियान में छोटी सी एक लेयर बनती है वो होती है ल्यूकोसाइट्स की और प्लेटलेट्स उसमें होते हैं, उसको हम जो है ना कलेक्टिवली बफी कोट कह देते हैं। ओके, और उनकी जो है ना ये इतनी क्वांटिटी होती है less than 1%। और प्लाज्मा होता है ये लाइक कह लें येलोइश टाइप जो है ना लिक्विड होता है और ये 55% इसकी जो है ना वेटेज होती है ह्यूमन बॉडी में। ओके, प्लाज्मा जो है ना हमारे पास ये लिक्विड स्टेट होती है ब्लड की, और ये 55% जो है ना टोटल वो मींस के ब्लड में मेन किया होती है कंट्रीब्यूशन होती है, ये पेल येलो कलर में होता है। तब हमें शो होता है जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करते हैं इन पे और ये सेपरेट हो जाता है ब्लड से, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ओके,
ये येलो कलर, पेल येलो कलर में होता है। प्लाज्मा में जो है ना उसमें सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं। ओके और जो है ना ब्लड प्लाज्मा में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी होती हैं, कुछ नेसेसरी कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हेल्थ फैक्टर में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ओके अब देखा जाए तो अगर कोई लीवर फेलियर पेशेंट है या लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज है तो उनको जो है ना ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन भी जो है ना दी जाती है। ओके अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो हमने देखा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी होती हैं, लाइक सीरम ग्लोबुलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और फिब्रोनेजन होती है। ठीक है, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है ना एज एंजाइम वर्क कर रही होती है। ओके और अगर एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये जो है हमारी कोई भी इंजरी हो जाए तो उसको ये वाउंड हीलिंग में करती है, ग्रोथ में हेल्प आउट करती है। एल्ब्यूमिन हम लेते हैं डाइट से, मीन्स के इसमें हम ले लें, हम जो है ना इसमें मीट मीट से हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन ले सकते हैं एक्सेट्रा। और अगर हम इनकी बात करें जो फिब्रिनोजेन होता है ना सीरम में एब्सेंट होता है। ओके तो ये जो है ना जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके और सीरम के पास ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है और एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ओके अगर आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज में हमारे जो है हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं बोन मैरो जो है ना उनकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके और कार्बन डाइऑक्साइड को जो वेस्ट प्रोडक्ट है टिश्यूज का उसको जो है ना लेके जाते हैं, मीन्स के बॉडी से मीन्स के हम निकालते हैं ये। ठीक है व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये हमारे पास जो है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म प्ले करता है अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस, मीन्स बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ओके तो और हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, उनको जो है ना ये किल आउट करते हैं। ओके और ये क्या करते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो से। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये टाइनी डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। ओके और इसमें ये होता है कि ये फास्ट रिकवरी करते हैं ना ब्लड क्लॉटिंग, मीन्स के कहीं भी इंजरी हो गई है तो उसके ऊपर एक जो है ना वो मीन्स के रिकवरी जो हो रही होती है ना जल्दी जल्दी से एक टाइप बन जाती है। ओके तो वो ब्लड क्लॉट वहाँ पे पहले होना स्टार्ट होता है, वो ब्लड क्लॉट में कौन हेल्प आउट करता है, प्लेटलेट्स हेल्प आउट करते हैं। ओके तो ये है इनके बारे में, तो होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू यू ऑल।